सो हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में आज पार्ट 7 है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी अबाउट द इंट्रोडक्शन, एंड कंटिन्यू रखेंगे इसको पार्ट 8 एंड 9 में, पॉइंटर्स विद द फंक्शन, पॉइंटर विद द स्ट्रक्चर्स। सो वी स्टार्ट हियर। सो पहला पॉइंट तो यही आता है माइंड के अंदर कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर्स क्या है एंड उसका रिक्वायरमेंट क्या है। पहले हमें रिक्वायरमेंट समझ में आता है। सो एग्जांपल करें कि एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स एक वेरिएबल है, दिस इज ए वेरिएबल, और उस वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन करा गया। नाउ एक्स इक्वल्स टू 5 है जो एक्स वेरिएबल है, जिसको आप इंटीजर टाइप का मान सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। सो इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5। अब अगर इस वेरिएबल को स्टोर करना है तो कंपाइलर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्पेस पर इस वेरिएबल को स्टोर करेगा, क्योंकि वेरिएबल है, ऑफकोर्स स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर स्टोरेज की बात करें मेमोरी के अंदर, तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट है, कुछ एड्रेसेस हैं जिसके अंदर कुछ पहले से ही सेल्स बने हुए हैं, और इन सेल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जो भी वैल्यू स्टोर करना होगा। सो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल है कि लेफ्ट से चालू हो रहा है एड्रेसिंग, राइट की तरफ जा रहा है, और जो इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5 को जो हमने एग्जांपल लिया उसको स्टोर करना है, तो यहाँ पर 5 वैल्यूज़ को स्टोर करा गया है। एक्स वेरिएबल का नाम है, जो वेरिएबल नेम है, एक्स इंटीजर टाइप का है और 5 वैल्यूज है। स्टोरेज के एड्रेस कंटिन्यूस चलते हैं, अगर कंटिन्यूस एड्रेसिंग है तो कंटिन्यूस एड्रेस चल रहा है, और ये जो 205 इंटीजर है वो 2008 एड्रेस के ऊपर जा करके सेव हुआ है। 2000 एड्रेस एड्रेस मीन्स ये 2000 एड्रेसेस की बिगनिंग है। अब ये तो सिंपल हो गया कि इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5 है, एक्स वेरिएबल को स्टोर करना है। अगर हम इसको सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखेंगे तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से इसका होगा कि इंटीजर एक्स दिया गया, उसको प्रिंट कराएंगे तो ऑफकोर्स वैल्यूज प्रिंट होकर के आ जाएगा सिंपल प्रोग्राम के अंदर। अब आते हैं कि पॉइंटर्स की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। नाउ यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो वेरिएबल एक्स, उसका वैल्यूज जो है 5 है, एंड एड्रेस या जहाँ कहा जाए तो इसका लोकेशन का जो नंबर है वो 2008 है। सो वेरिएबल एक्स को हम कह सकते हैं कि ये तो नेम है वेरिएबल का, जो भी हमें लोकेशन नेम दिया गया है वो एक्स है, जो उसको नेमिंग करा गया कि हाँ ये किस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या नाम क्या है उसका, तो एक्स के दिया, उसमें वैल्यूज हमने 5 असाइन करा है, और उसका एड्रेस। सो इस एड्रेस को, जिसको हम लोग लोकेशन नंबर भी कह सकते हैं, लोकेशन नंबर बिकॉज दैट इज द लोकेशन, और लोकेशन नंबर से ज़्यादा बेटर वर्ड मिलता है एड्रेस। सो सी प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर्स इन्हीं चीज़ों से मिलकर के बना है। सो इंटीजर एक्स इक्वल टू 5 कुछ इस तरीके से मेमोरी के अंदर रहेगा। एंड क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि हाउ टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस एक्स का कैसे मिलेगा। तो अगर हमारे पास में एक्स इक्वल टू 5 है, मेमोरी में गया होगा, जब स्टोर करा होगा 5 वैल्यू स्टोर करा गया एक्स, तो 2008 पर। नाउ इस 2008 को हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस को, कि कहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है, जो एक वेरिएबल था वो किस जगह पर स्टोर है। इसी काम के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर एम्पर साइन को डिजाइन करा गया है। सो ये इंडिकेट करता है, एम्पर साइन ऑफ एक्स लिखेंगे दैट मीन्स कि आप एक्स के एड्रेस ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारा एक्स कहाँ पर स्टोर करा गया था, जो एक्स वेरिएबल है एंड उसको जो वैल्यू असाइन करा गया वो किस जगह पर स्टोर है। तो इसके लिए एड्रेस ऑफ एक्स को यूज़ करा जा सकता है, और यहीं से पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐड हो जाता है। तो अगर एक प्रोग्राम बनाए, स्मॉल एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि पिछले प्रोग्राम को कंटिन्यू करा गया, जो ऊपर अभी हमने देखा था एक प्रोग्राम, तो इसको अगर मैं एक बार पहले कॉपी करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो अगर हम लोग इसको कॉपी करके रन कराने की थोड़ी सी कोशिश करें, तो इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट लाइन इंडिकेट कर रहा है, तो पहले तो हम इसको प्रिंट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, अनसाइंड नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5, एंड इसको रन कराएंगे तो यहाँ देखेंगे वैल्यू 5 प्रिंट हो गया, बिकॉज सिंपल वैल्यू। नाउ इसका एड्रेस को प्रिंट करा के देखते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस के ऊपर ये सेव है। तो जो एक्स इक्वल्स टू 5 सेव हुआ है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस के ऊपर सेव है। सो एड्रेस ऑफ एक्स इंडिकेट दिस वेयर एक्स इज। सो यहाँ पर 2008 या जो भी एड्रेस एग्जाम्पल लिया अभी इस टाइम रन कराया, तो ये एक पर्टिकुलर एड्रेस निकल के आया मेमोरी का, यहाँ पर वो स्टोर करा गया।
सो एम्पर साइन ऑफ एक्स को नथिंग बट सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक ऑपरेटर की तरह से वर्क कर रहा है, जो कि एम्पर साइन ऑफ एट एक्स ऑपरेटर बनेगा, जो कि एड्रेस को रिटर्न करेगा कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्स विच इज़ द ऑपरेटर। नाउ अभी तक ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास एड्रेस है, इफ़ आई नो दैट 2008, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज़ द वैल्यू, वट वैल्यू इज स्टोर एट द पर्टिकुलर लोकेशन 2008, दैट मीन्स कि अगर एक्स एक वेरिएबल है जिसका नाम है और मुझे उसकी लोकेशन भी पता है कि 2008, बट यहाँ पर क्या वैल्यू सेम है, इस वैल्यू को निकालने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट आउट करना चाहिए, कुछ पॉइंटर होना चाहिए। तो यहीं से ही ये पॉइंटर का बर्थ हुआ है, पॉइंटर पिक्चर में आया ऑपरेटर, जो कि उस पर्टिकुलर वैल्यूज, जो उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू है, जो भी आपने एड्रेस उसमें दिया है उसके ऊपर क्या वैल्यू है। सो एम्पर साइन जो आपको पॉइंटर है, पॉइंटर इंडिकेट करिए, और जो एड्रेस है 2008 लिखा गया है, तो वहाँ से उसके ऊपर वैल्यूज 5 निकल के आएगी। अब इसको समझने के लिए जो ये एक्सप्रेशन था, इसी को दोबारा से एक बार देखते हैं यहाँ पर। यस, सो यहाँ पर अभी जो हम एज्यूम करके चल रहे थे यहाँ पर, कि एक पर्टिकुलर बॉक्स था, ये बॉक्स मेमोरी सेल को इंडिकेट करता है, एक्स जो मेरा वेरिएबल था 5 वैल्यू असाइन करा था और ये 2008 पर सेव हुआ था। नाउ अब मैं स्टार लगाता हूँ, जो पॉइंटर है जो वैल्यू देगा एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की, एड्रेस ऑफ एक्स, जो कि हमारा 2008 इस न्यूमेरिक एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर विच इज नथिंग बट द इक्वल्स टू 5, जो आपकी वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस से अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे पॉइंटर की हेल्प लेना पड़ेगा, पॉइंटर पे जाना पड़ेगा, और अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल से एड्रेस निकालना है तो मुझे एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, वन इज द एड्रेस ऑपरेटर जो कि एड्रेस रिटर्न करेगा, और पॉइंटर उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। हम अपना पिछले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं, कि जो अभी एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पर दिस वन, सो एड्रेस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 3 टाइम्स इसको प्रिंट करके देखते हैं डिफरेंट, तब पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगा। एम्पर साइन एन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि क्लियरिटी बनी रहे, और यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, फिर एक्स किस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जा कर के सेव हो रहा है, और अब देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, यहाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू सेव है उसको देखना है। तो रन कराएंगे तो देखेंगे कि एक्स इक्वल्स टू 5, फोर्स 5 है। नाउ 5 कहाँ पर जाकर के सेव हुआ, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द 5, दैट इज दिस वन एड्रेस, एंड इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू सेव है, ऑफकोर्स 5 सेव है, तो 5 सेव हो रहा है, तो यहाँ पर इसी को ही इंडिकेट करा गया। सो एक तरह से माना जाए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एम्पर साइन एंड पॉइंटर एंड एड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और रिजल्टेंट नथिंग बट दैट इज, सो एम्पर साइन ऑफ एस, एम्पर साइन एंड एड्रेस ऑफ एक्स इज द एक्स। सो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर इस तरीके से अगर लिखा जाए कहीं पर कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करा गया है, उसका इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है, तो नथिंग बट इज देयर। सो अगर हम डिजिटल में कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, सेम वही यहाँ पर है। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू वही है जो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर देखा है। सो इस एग्जांपल के अंदर उसी चीज़ को हाईलाइट करा गया है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो एड्रेस की वैल्यू एक्स ही निकल के आता है। सो अभी तक यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ है कि ठीक है, पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंटर्स किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या डेटा स्टोर करा गया है उसको रिट्रीव करने के काम आ सकता है। अब कुछ थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, अभी सिंपल एग्जांपल देखा था इंट एक्स इक्वल्स टू 5, ये इंडिकेट कर रहा है एक्स इज ए वेरिएबल, 5 वैल्यू रखता है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स विच इंडिकेट्स दैट, कि वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एक्स, क्योंकि एक्स एक इंटीजर टाइप का था यहाँ पर हमारे सामने, तो वाई जो है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक इंटीजर टाइप का है। सो एक्स जो है उसको अगर मैं 5 कहता हूँ,
वो किस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जाकर के सेव होता है, तो दिस इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट द वाई। सो यहाँ पर हमने एक वाई वेरिएबल्स को यूज़ करा है जो कि एड्रेस ऑफ एक्स बताता है, और एक्स क्या है, एक इंटीजर है। सो इसको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करा जा सकता है, वाई कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एक्स। सो वाई 2008 आ जाएगा इस एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, अब वाई के आगे अगर एपर साइन यूज़ करा जाए, जो अभी हमने देखा था कि क्या वैल्यू है इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर 2008 के ऊपर, वो नथिंग बट जो हमारी वैल्यूज था एक्स और वही फाइव निकल के आता है। सो अगर एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट करें, सो पहले तो एक्स एक वेरिएबल है जिसमें फाइव वैल्यू है 2008 के ऊपर है, और वाई में क्या कर रहे हैं, वाई इक्वल्स टू क्या, एड्रेस ऑफ एक्स। तो 2008 यहाँ पर हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया एक तरह से, जैसे ही वाई इक्वल्स टू एड्रेस वाई को प्रिंट कराएंगे तो ऑफकोर्स 2008 प्रिंट होकर के आएगा, क्योंकि वैल्यूज तो 2008 है। बट वाई इज ऑल्सो एयर वेरिएबल, वाई भी एक वेरिएबल है जैसे एक्स एक वेरिएबल था। हर वेरिएबल को सेव करने के लिए कंपाइलर को कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, वाई को भी सेव करना पड़ेगा। तो वाई को कोई एक नए एड्रेस पे सेव कर दिया 2015 पर। अब इसी चीज़ को जो अभी डिस्कस करा, इसका अगर सी प्रोग्राम के अंदर एग्जांपल देखें कि ये किस तरीके से सेव हो रहा है, और एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल है। सो इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इंटीजर एक्स इक्वल्स टू फाइव है, इंट पॉइंटर वाई इंडिकेट करता है कि वाई एक पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल का स्टोर एड्रेस को दिखाता है। ये इंटीजर बताता है कि जो वाई जिसका एड्रेस इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक इंटीजर सेव करा गया है ना। तो इसको जो ये लाइन है यहाँ पर हम लोग इसको कवर अप करते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट द इंटीजर एक्स इक्वल्स टू फाइव एंड इंटीजर पॉइंटर ऑफ द वाई वाई इंडी सो दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द वाई इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल एंड वेरिएबल इज द इंटीजर टाइप। सो इंटीजर टाइप वेरिएबल को यहाँ पर लिखा है, और वाई जो है वो एड्रेस ऑफ एक्स है। तो अगर एक्स को प्रिंट करूँगा तो वैल्यू आएगा, वाई को प्रिंट करूँगा तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू सेव करा गया है वो भी फाइव ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाई जो है एड्रेस ऑफ एक्स है, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं स्टार ऑफ वाई। तो अगर इसको कहा जाए तो कंपाइलर क्या कर रहा होगा, इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो, ओके, और इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देगा वहाँ पर। तो उसके लिए कंपाइलर के लिए सेम वही चीज़ हो गया जो एक्स के इक्वल था। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स को आपस में कैसे कोरिलेट करा है पॉइंटर ने, कि एक्स एक वेरिएबल है और वाई के हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इंटीजर एक्स इक्वल्स टू फाइव, दैट मीन्स कि एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और जिसको फाइव वैल्यू असाइन करा गया, और इसको ऑफकोर्स मेमोरी में कहना गया तो सेव करना पड़ेगा वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये पूरा बॉक्स कंप्लीट होता है, एक्स एक वेरिएबल जो कि फाइव वैल्यू रखता है और इसको एक पर्टिकुलर एड्रेस में सेव करा गया। जिसे वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एड्रेस ऑफ एक्स है वो वैल्यू असाइन कर दिया गया है वाई को। ऑफकोर्स इसका भी कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, हर वैल्यू को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, और इस चीज़ को वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स लिखा गया है। अगर वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स है तो स्टार वाई इक्वल्स टू पॉइंटर ऑफ वाई इक्वल्स टू होगा पॉइंटर ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट द एक्स। ओके, जिसे पॉइंटर ऑफ वाई लिखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा फाइव निकल करके हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ वाई क्या होगा, क्योंकि वाई का भी कुछ एड्रेस होगा, तो वाई का एड्रेस फाइंड प्रिंट कराने के लिए एड्रेस ऑफ वाई लिखा जा सकता है, जिससे कि हमें 2050 वैल्यूज यहाँ से प्रिंट होकर के मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अगर कोई पर्सन पूछता है कि 2050 एड्रेस पे क्या वैल्यू सेव है, ऑफकोर्स जब भी हम कोई एड्रेस पे वैल्यू निकालते हैं तो पॉइंटर यूज़ करते हैं, पॉइंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ वाई। सो पॉइंटर ऑफ एड्रेस ऑफ वाई इज 2050 विच इज नथिंग बट द 2008। सो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, अगर इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, एड्रेस ऑफ वाई इज 2050 और उस पर्टिकुलर 2050 पे वैल्यू 2008 है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली देखा जाए तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं और वाई रिटर्न हो रहा है जो वाई की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास तो हमें तो एज्यूम करें वैल्यू 85 चाहिए था, तो 2008
एड्रेस पे जो वैल्यूज है उसको प्रिंट कराना है, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराइए। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वाई के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यूज है वो एक्स निकल के आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चेन चला सकते हैं कि जैसे अगर इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पर हमारे सामने जो निकल के आता है वो 5 5 है। तो यहाँ पर अगर हमारे सामने निकल के आता है वाई की जो वैल्यू है वो हमने अभी देखा है, अब अगर वाई का एड्रेस देखते हैं कि वाई को कहाँ पर सेव करा गया और कहा जाए तो वाई पर वैल्यूज़ क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर एड्रेस निकल के आता है वाई का। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू क्या सेव है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू सेव होगा, अगर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या वैल्यू सेव करा गया, नथिंग बट वाई सेव करा गया होगा, और वाई जो है वो इसका कंट्रोल। अब अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इस जो एड्रेस है जो पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव करा गया है इसको प्रिंट कराते हैं दोबारा से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एक और एक्सट्रैक्ट लगाते हैं यहाँ पर और जरा देखते हैं कि क्या आता है। तो हमें वही 5 मिल जाना चाहिए, यस 5 आ गया घूम करके। सो देख यहाँ पर ये पॉइंटर और एड्रेस एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो इंडिकेट कर रहा है कि वाई के ऊपर क्या वैल्यू सेव है, वाई के ऊपर तो एक्स ही सेव था तो एक्स ही निकल करके आ जाता है। तो समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जब भी कभी किसी वेरिएबल के आगे पर्टिकुलर अगर कोई वेरिएबल आपको दे रखा है एड्रेस ऑफ लिखते हैं तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या वैल्यू सेव है वो निकल के आता, एड्रेस निकल के आता है, और इसको स्टार लगा दी जाए, पॉइंटर लगा दी जाए तो ये दोनों वैल्यूज कट हो जाती है, तो ये वंस अगेन आपका वाई बन जाता है। सो यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट करा गया कि अगर आप इंटीजर आई इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो इसको कंप्लीट होता है 2008, बट आई एक्स कहाँ पर सेव है उसको देखना है तो वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2008 मिलेगा। और अगर इस पर्टिकुलर 2008 एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या सेव है उसके लिए आप स्टार ऑफ वाई लिखेंगे तो स्टार ऑफ वाई स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग बट दी एक्स आएगा और आंसर में हमें दोबारा से वही वैल्यू मिल जाएगा। इसी चेन को और भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू 5 है, ठीक है एक्स इक्वल्स टू 5 है, एड्रेस 2008 पे जाकर के सेव हुआ है, वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स तो वाई में एड्रेस ऑफ एक्स को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड जेड के अंदर एड्रेस ऑफ वाई को ट्रांसफर कर देते हैं तो जेड के अंदर एड्रेस ऑफ वाई को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल को कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। तो एक्स को सेव करा था 2008 पर, वाई को सेव करा 2050 पर, जेड को सेव करा 2070 पर, सो इस तरीके से एड्रेस ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर कोई पर्सन स्टार ऑफ और पॉइंटर ऑफ जेड लिखता है इसका मतलब है जेड जहाँ पर भी जो सेव करा गया है वो क्या वैल्यूज है उसके अंदर, तो स्टार ऑफ जेड नथिंग बट जेड को हम लोग लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ वाई जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं जो कि वाई के इक्वल हो जाएगा, कि जो वाई था वो निकल के आ गया जो नथिंग बट 2008 है, जो हमारा वाई था वो निकल के आया। अब इसके आगे एक और अगर स्टार लगा देते हैं तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम 2008 के आगे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक की तो हम पहले ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा जो हमारा 5 निकल के आ जाएगा, अब 5 मिलेगा। तो अगर हमें 5 चाहिए था तो स्टार ऑफ जेड विच इज़ स्टार ऑफ फर्स्ट स्टार, इसको अगर हम लोग इसको बंद करें इस तरीके से एंड अंदर वाले को अगर करेंगे तो स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ वाई जो कि स्टार ऑफ वाई बनेगा विच इज़ नथिंग बट द स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स विच इज़ एक्स। तो इस तरीके से हम जेड से एक्स पे जा सकते हैं दो बार पॉइंटर को यूज़ करके। दो बार पॉइंटर का यूज़ करने का मतलब है रिवर्स में हम लोग इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमें मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंटर, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि देट इज़ वन ऑपरेटर जो कि आपको एड्रेस देगा और ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू देगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को क्रॉस करके कुछ रिटर्न नहीं देगा कि आप 5x वैल्यूज पे 5 पे गए थे, 5 से एक पर्टिकुलर एड्रेस पे गए थे, इस एड्रेस से वंस अगेन आप 5 पे गए, तो जब भी यहाँ से यहाँ पर जाना होगा और यहाँ से यहाँ पर जाना है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोनों दो बार ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट एड्रेस करेंगे सेकंड पॉइंटर करेंगे तो वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हम लोग चले थे, एक्स पर ही पहुँच जाएंगे। सो दिस वन इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा अब
अभी तक जो भी एग्जांपल लिया उसमें इंटीजर लिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर देखें तो इंटीजर एक्स, एंड अगर हम लोग जो हमने देखा भी है इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5 लिखते हैं यहाँ पर, एंड वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स लिखते हैं, इन दोनों लाइन का मिला करके मीन ये निकलता है कि एक्स अगर एक कोई वेरिएबल होगा जो 5 रखता है और जो एक इंटीजर टाइप का है, एंड वाई जो है वो उस पर्टिकुलर एक्स के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वाई जो एक्स के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है वो वेरिएबल भी एक इंटीजर टाइप का है। तो ये दोनों लाइनों को मिला करके कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकलता है, इसलिए हम लोग इसको इस इन लाइन के बीच में इंटीजर स्टार ऑफ वाई या पॉइंटर ऑफ वाई भी लिखते हैं बीच में। तो फर्स्ट लाइन एक्स एक इंटीजर है, वाई किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि एक इंटीजर टाइप का है, लेकिन हर बार इंटीजर ही होना कोई जरूरी नहीं है, वैल्यूज तो कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। सो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर कैरेक्टर एक्स लिया गया, एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, और जो पॉइंटर है जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर टाइप के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा था इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिखा गया। तो दैट मीन्स कि अगर आप कैरेक्टर ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये इंडिकेट करता है एक एक्स है जो कैरेक्टर टाइप का है और जिसमें कुछ कैरेक्टर सेव होगा एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, और जो वाई है वो एड्रेस ऑफ एक्स है, लेकिन सिंस एक्स इज ए कैरेक्टर सो यहाँ पर भी हमें इसके लिए फिर पॉइंटर टाइप जो है वो भी कैरेक्टर हो गया है। सो इसलिए अगर कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर एड्रेस को असाइन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी कैरेक्टर यूज़ करा गया, प्रीवियस केस में हमने इंटीजर यूज़ करा था दैट्स वे। तो अगर इसको रन कराएंगे तो सेम वही आंसर आएगा कि वाई जो वैल्यू है वो एड्रेस को देगा, एक्स वैल्यू निकल के आएगा बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर एक्स लिया है तो एक्स आ जाएगा, एंड एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ वाई नथिंग बट द एड्रेस ऑफ एम्पर साइन ऑफ एक्स विच इज़ एक्स, और अभी एक्स जैसे इस एग्जाम इस क्वेश्चन के अंदर इस एग्जाम्पल में प्रोग्राम में कैपिटल एक्स लिया है तो आउटपुट आ जाएगा कैपिटल एक्स अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि जो वेरिएबल है एक्स से और वाई पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स, और वेरिएबल एक्स जो है वो कैरेक्टर। सिमिलर रेज अगर फ्लोट का केस लेंगे तो यहाँ पर हमने फ्लोट मान के चल रहे हैं कि अगर एक कोई वेरिएबल एक्स था जो कि फ्लोट टाइप का था, वाई जो है फ्लोट टाइप का था, वाई जो है वो एड्रेस ऑफ एक्स है, दैट मीन्स कि एक्स एक फ्लोट वैल्यू रखता है और वाई उस एड्रेस को सेव करता है, तो वाई एक फ्लोट वैल्यू वेरिएबल के वैल्यूज को सेव कर रहा है एड्रेस को। अब अगर फ्लोट जो है वो बाइट्स ज़्यादा लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं फ्लोट ज़्यादा बाइट लेगा, तो जो आंसर आता है जो आउटकम आता है निकल करके जब भी हम लिखते हैं कि वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स और प्रिंट ऑफ एक्स, सो वो स्टार्टिंग पॉइंटर को दिखाता है। ठीक है, अगर ये 4 बाइट 8 बाइट जो भी है इनकी लेंथ अगर अनसाइंड वगैरह, सो अगर आप वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स लिख रहे हैं तो ये जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन को रिटर्न करता है आपको। तो जो अभी जैसे प्रोग्राम लिखा था हमने कुछ भी उसमें ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो ये बिगनिंग कर रहा है ना कि उसकी एंडिंग। ये तो काफ़ी एड्रेस तो लंबा होगा, काफ़ी सारे बाइट्स होंगे उसके अंदर, सो यहाँ पर हम लोग अभी बिगनिंग का जो एड्रेस होगा वो ये प्रोग्राम रिटर्न करता है जब भी हम लोग एड्रेस ऑफ द पॉइंटर लिख के चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंटर। आई होप सो कि पॉइंटर क्लियर हुआ होगा कि पॉइंटर एंड एड्रेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक्स से अगर हम स्टार्ट करें, सिंपल अगर स्टार्टिंग करा जाए इंट एक्स इक्वल्स टू 5 एंड वाई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स जो नथिंग बट इंडिकेट कर रहा है एक एक्स है जो 5 है जिसका कुछ एड्रेस है, एंड यहाँ से यहाँ पर जाना है तो एड्रेस को यूज़ करेंगे, और अगर वन सेकेंड वैल्यूज़ पे जाना है तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या वैल्यूज़ था उसके लिए हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। सो अगर पॉइंटर ऑफ वाई लिखेंगे तो पॉइंटर ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स को इंडिकेट करता है विच इज़ एक्स। सो पॉइंटर एक पर्टिकुलर जो वाई जो एड्रेस रखता था एक इंटीजर टाइप का उसके ऊपर क्या वैल्यू सेव है, उसके ऊपर वही 5 वैल्यू सेव है। और ये जो पॉइंटर से एक्स से वाई पे जा सकते हैं, वाई से जेड पे जा सकते हैं, वंस अगेन हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। एक्स जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। नाउ अगर एक्स अगर कैरेक्टर है तो वाई जो पॉइंट करेगा वो एक कैरेक्टर टाइप को पॉइंट करेगा, क्योंकि वाई अभी जो एड्रेस रखता है
वो वेरिएबल कैरेक्टर है, इसलिए हमें इसको कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि पॉइंटर को फंक्शंस में एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह में किस तरीके से यूज करा जा सकता है। थैंक यू।